हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चा, हम कर रहे थे आपका चैप्टर टू या अध्याय दो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण। बच्चों, और इसमें हम एनसीईआरटी का रिव्यू कर चुके थे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, यानी पाठ के मध्य के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर वन या प्रश्न संख्या एक है कि वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यानी HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में जो ये अम्लता के अभिलक्षण है वो प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो बच्चों, इसका बेसिक सा आंसर है, जरा देख लेते हैं कि H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर्स। HCl, HNO3 एटसेट्रा गिव H प्लस आयंस इन वाटर, वाइल एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट गिव H प्लस आयन इन वाटर। देयरफॉर एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स। यानी जलीय विलयन में H प्लस आयन अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, HCl, HNO3 आदि जल में H प्लस आयन देते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जल में H प्लस आयन नहीं देते हैं। अतः अल्कोहल और ग्लूकोज अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या दो देख लेते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या दो या क्वेश्चन नंबर दो क्या है, तो why does an aqueous solution of an acid conducts electricity? यानी अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इसका बेसिक सा आंसर है, बच्चों देख लेते हैं। बच्चों, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। यानी किसी अम्ल का जलीय विलयन उसमें आवेशित कणों जिन्हें आयन कहते हैं की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, फिर देख लेते हैं बच्चों प्रश्न संख्या तीन या क्वेश्चन नंबर थ्री, Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। आंसर बहुत आसान सा है कि dry HCl gas does not give H plus ion and therefore does not change the color of dry litmus paper। यानी सूखी HCl गैस H प्लस आयन नहीं देती और इसलिए सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। बच्चों, तो बच्चों ये आपका पहला पार्ट था, इसका तीन क्वेश्चंस अभी हमने कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, यहाँ ये वीडियो होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।